स्वाति, मैं भगवान को साक्षी मानकर आज तुम्हें अपनी पत्नी चुनता हूँ। अनिल, मैं भी भगवान को साक्षी मानकर आज से तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। आओ, तुम्हें अपने घर ले चलते हैं। पिताजी, पहुंचो बाबूजी के। बेटे अनिल, क्या है ये सब? और बेटे, ये कौन है? पिताजी, इसका नाम स्वाति है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए आज भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और आज हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अनिल, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या ये है तुम्हारा घर? इस घर में रहूंगी मैं? अरे क्या तुम भूल गए, मैं एक जज की बेटी हूँ, इस घर में कैसे रह सकती हूँ मैं? स्वाति, लेकिन पत्नी का धर्म होता है कि शादी के बाद उसके घर में रहती है। लेकिन तुम तो जानते हो ना, मुझे ऐसे घर में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। देखो, मैं कल ही ना अपने पापा के नए फार्म हाउस में जाऊंगी, उसके लिए तुम तैयार हो जाना। और हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ का वेट कर रही हूँ, ठीक है? बेटा अनिल, ये सब क्या है बेटा? ये हो क्या रहा है? पिताजी, स्वाति दिल की बुरी नहीं है, बस शहर की है ना, इसलिए गांव का रहन सहन जानती नहीं है। लेकिन बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको समझा दूंगा। बेटे, पहली बात तो तूने बिना बताए शादी कर ली, हमें पूछा तक नहीं। आज हमारा लाड प्यार सब खत्म हो गया, हमें ये तक बताने की जरूरत नहीं समझी कि पिताजी मैं शादी कर रहा हूं। खैर बेटा, जो भी तूने किया वो ठीक है, पर ख्याल रखना कि कोई दिक्कत ना आए, कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरी इज्जत पर आंच आए। तुझे पता है गांव में मेरी कितनी इज्जत है? और हाँ, एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की तेरा साथ निभा पाएगी। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शहर की पढ़ी लिखी है ना, तो इसलिए गांव का रहन सहन जानती नहीं है। बेटे, रहन सहन तो आ जाएगा, लेकिन उसके दिमाग को कौन बदल पाएगा जो मैंने पढ़ लिया? बहरहाल तेरी पत्नी है आज से वो, उसका ख्याल रख। पर बेटे, एक बात मत भूल जाना, मेरी सारी उम्मीदें ना तेरे ऊपर टिकी हुई है। तुझे पता है तेरी बहन की शादी में कितना कर्जा हमारे पास हो गया, वो सारा कर्जा भी उतारना है, वरना बेटे ये एक दिन ये मकान, ये जमीन सब चला जाएगा। बाबूजी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा। बाबूजी, बेटे सारी उम्मीदें तेरे से ही है मेरी तो। अब बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा। चल ठीक है बेटे, अब अपनी पत्नी के पास जा। हे भगवान, बस मेरे बेटे का ख्याल रखना। स्वाति, ये सब क्या हो रहा है और ये कहाँ की पैकिंग चल रही है? अनिल, मैं अपने घर जा रही हूँ। जा रही है, लेकिन क्यों? यार मैं नहीं रह सकती यहाँ, ये घर तो देखो ना, इस घर में एसी है ना कुछ, तुम तो जानते हो कि मैं कैसे घर में रही हुई हूँ। लेकिन स्वाति, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। कितना एडजस्ट करूँ, कल से कर रही हूँ ना, पूरी रात हो गई एडजस्ट करते करते, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। अनिल तुम समझ नहीं रहे हो। और हाँ, तुम भी एक काम करो, अपना बैग पैक करो और मेरे साथ चलो, हम मेरे पापा के घर में रहेंगे। स्वाति, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो दो, अभी एक दिन भी नहीं हुआ हमारी शादी को, मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? एक दिन की बात कर रहे हो तुम, मैं यहाँ एक मिनट नहीं रह सकती अब। लेकिन स्वाति यार, दिक्कत क्या है यार? बस मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं रहना मतलब नहीं रहना। यार स्वाति, तुम्हारे हमेशा यही चौंचले रहते हैं। क्या मतलब चौंचले मैं करती हूँ?
एक तो तुमने मुझे धोखे में रखा कि मैं अपने गांव का सबसे रहीस आदमी हूँ, ये है तुम्हारा रहीसपना। लेकिन स्वाति, इस घर में कमी क्या है? हाँ, अरे ये पूछो कि इस घर में कमी क्या नहीं है। जैसा तुम्हारा कमरा है ना, सच्ची बताऊं, ऐसे कमरे तो मेरे बाबूजी ने नौकरों को दे रखे हैं, और तो और ऊपर से एसी लगवा रखी है। और हाँ, जैसी कंडीशन तुम्हारे बाप की है ना, ऐसे हमारे घर के नौकर रहते हैं। स्वाति, तुम ज्यादा बोल रही हो। बस अब मेरे पास और टाइम नहीं है तुम्हारे बकवास करने का, हटो यहाँ से। स्वाति यार, अरे बहू कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और हाँ, अपने बेटे को अपने पास संभाल के रखो, मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। बेटे, तुम्हारी शादी को अभी 12 घंटे भी नहीं हुए और तुम दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अगर तुम लोग ऐसे चले जाओगे तो ये गांव वाले परिवार वाले मेरे मुंह पर थूकेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा बेटे? बस हो गया तुम्हारा। और हाँ, मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें आना हो तो 5 मिनट में गेट पे तुम्हारा वेट करूंगी, अगर नहीं आए तो चली जाऊंगी मैं अकेली। बहू, बहू, बेटे सुनो तो, बहू। बेटे अनिल, ये सब क्या हो गया बेटे, ये हो क्या रहा है? बाबूजी, स्वाति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, दिल की बुरी नहीं है वो। बेटे 12 घंटे के अंदर तू पत्नी के पल्लू से बंध गया और अपने बाप को भूल गया। बेटे मेरा तेरे सिवा कौन है, मेरा तो बस तू है। बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका बेटा था और आपका बेटा ही रहूंगा, लेकिन जब स्वाति यहाँ नहीं रहेगी तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा? तुझे जाना है वहीं अपनी पत्नी के साथ, जा बेटा। और एक बात याद रखना, जब भी तुझे जरूरत पड़े मेरी आ जाना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहे। राजा टेंशन मत लीजिए, मैं वहां से हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। मैं चलता हूँ बाबूजी। ठीक है बेटे। हे भगवान, मेरे बेटे का ख्याल रखना, पता नहीं इसके साथ क्या होगा और क्या होगा मेरे इस घर का। क्या कर रही हो स्वाति? मैं तो जो कर रही हूँ सो कर रही हूँ, पर तुम कहाँ आ रहे हो उधर? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें दिया है ना दूसरा रूम, वहां जाके सो। वैसे भी अभी मेरा कोई मूड नहीं है, जब ये सब करने का मूड होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। स्वाति, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। मैंने कहा उधर है तुम्हारा रूम, जाके सो जाओ। यार मैं अपने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम ऐसे ट्रीट करोगी मुझे? तुमने भी तो मुझसे कितना कुछ बोला था और कहां ले जाके डाल दिया, वहां जहां के नौकर भी नहीं रहते। देखो मैं नहीं करना चाहती ये सब, जाओ यहां से। महाराजा अभी तक सो रहे हैं, उठो, सुनाई नहीं आ रही तुम्हें? उठो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो इतनी देर तक सो रहे हो। और सुनो, किचन में जाओ और मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ, और पानी भी गर्म कर देना क्योंकि मुझे नहाना है। स्वाति, तुम्हें पता भी तुम क्या बोले जा रही हो? क्या कॉफी मांग रही हूँ और क्या बोल रही हूँ?
तो मैंने इसलिए शादी की थी तुमसे ताकि तुम्हें कॉफी बना कर दूं। हां क्या हो गया, बना के दे नहीं सकते क्या? स्वाति इतना क्यों चेंज हो रही हो तुम? शादी से पहले तुम कैसी थी, अब देखो खुद को, क्या बन गई हो तुम यार? शादी से पहले तुमने भी मुझसे बहुत सारे वादे किए थे, इनफैक्ट ये भी बोला था कि मेरा घर बहुत अच्छा है जो कि मैं देख आई हूँ, ठीक है? अब जाओ जाके बकवास तो करो मत ना मेरे सामने ज्यादा, कॉफी ले आओ। मेरे बस की कॉफी ऊपर बनानी नहीं है। अरे तो बनानी नहीं आती तो सीख लो ना। नहीं सीखना मुझे। अगर तुम्हें मेरे कहने पे नहीं चलना तो यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, अपना बैग उठाओ और जाओ अपने बाप के घर, यहाँ तुम जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। वाओ, अच्छा किया स्वाति, अच्छा किया जो तुमने आज मुझे मेरी औकात याद दिला दी। हाँ मुझे बहुत घमंड था ना, तुम मुझसे प्यार करती हो, बहुत अच्छा किया तुमने मेरे मुंह पर मेरे बारे में जितनी गंदगी थी सब उगल दी। अब इस घर में ना मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहता, दम घुटता है मेरा यहाँ पर। हाँ तो जाओ ना। तो जा रहा हूँ ना। तो तुम्हें रोकना भी कौन चाहता है, जाओ, सुबह सुबह मेरा तो मूड ऑफ करो मत ना। स्वाति पता है जब मैं यहाँ आ रहा था ना, मेरे बाबूजी ने मुझसे कहा था बेटा ये अमीर घर की लड़की है ना, हम लड़कों की इज्जत करना नहीं जानती, हम छोटी फैमिली से है ना, तो तुम हमें क्या समझोगी, हमारी फीलिंग्स को क्या समझोगी, तुमने एक नंबर की घमंडी लड़की हो। तो फिर आए क्यों थे? तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए आया था। बस रहने ही दो, जो इंसान मेरे लिए एक कप कॉफी नहीं बना सकता वो क्या प्यार करेगा, क्या पूरी लाइफ मेरा साथ देगा? तुम्हें अगर कॉफी बना के पिलाऊंगा तो ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यार तुम्हारे लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने बाबूजी को छोड़कर आया हूँ मैं तुम्हारे पास और तुम कहती हो कि तुमसे प्यार नहीं करता। इस चीज में मुझे दोष मत दो, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि अपने बाबूजी को और अपना घर छोड़ के मेरे पास आओ, ठीक है? एक बात मैं खुद आया था और आज अपनी मर्जी से तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, हाल में जाओ। दोबारा यहाँ कभी मत आना क्योंकि मैं नहीं चाहती लाइफ में तुम्हारा चेहरा कभी देखूं। पिताजी। बेटा अनिल, तू क्या हुआ बेटे, और बहू कहाँ है, क्या बात हुई बेटे? बेटे हुआ क्या बता, तो कुछ क्या हुआ? बाबूजी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये बड़े घर की लड़कियां हम गरीब लड़कों को सिर्फ इस्तेमाल कर सकती हैं, प्यार नहीं कर सकती। बेटे हुआ क्या, बहू है कहाँ? पिताजी उसका बर्ताव मेरे लिए सही नहीं था, उसने बहुत गंदा बर्ताव किया मेरे साथ और उसको छोड़कर आ गया। बस क्या बेटे तुम दोनों अलग हो गए? मैं उसके साथ और नहीं रह सकता बाबूजी, नहीं रह सकता। चल बेटे कोई बात नहीं, तुझे टाइम से समझ आ गई, मेरे लिए यही बहुत है, और तू घर आ गया मेरे लिए यही बहुत कुछ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। माफ कर दो बाबूजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। नहीं बेटा, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और सुन बुजुर्ग तभी तो कहते हैं कि शादी परिवार की मर्जी से होनी चाहिए, और आजकल जो ये लड़के लड़कियां बिना परिवार की मर्जी के शादी कर रहे हैं ना, इन सबके अंजाम बेटे यही हो रहे हैं, और ये तो अच्छा है कि तुझे जल्दी सबक मिल गया और तू जल्दी अपने घर वापस आ गया।